दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल रैंडम क्लिक्स। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या विटामिन्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, कौन से विटामिन्स का क्या फ़ायदा है और वो कैसे आप अचीव कर सकते हैं फ्रॉम योर नेचुरल डाइट। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को फटाफट से बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम आप लोगों को करना है। आपको सबसे पहले नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करना है। उसको क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे इस चैनल को, और इस चैनल को सब्सक्राइब होने के बाद आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उसके साथ में बजी हुई घंटी को आप बजाएंगे तो आपको एक टिंग 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 की आवाज़ आएगी, और जब भी मेरे नए वीडियोस आएंगे आपको सबसे पहले उनकी खबर मिल जाएगी। सो ये तो काम है जो कि बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आई होप आपने अभी तक कर दिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। ऐसे 10 कौन से विटामिन्स हैं जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उनकी क्या फ़ायदे हैं, और आप कहाँ से उन विटामिन्स को अचीव कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो विटामिन है जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ बीटा कैरोटाइन। तो बीटा कैरोटाइन का रोल जो है वो आपकी बॉडी में जाता है, और उसके बाद वो विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। नाउ विटामिन ए आपकी बॉडी को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्दी आईज एंड क्लियर स्किन। जो लड़कियों को क्लियर स्किन चाहिए होती है, दैट ऑल्सो कम्स विद हेल्दी विद विटामिन ए। सो इफ़ यू हैव good amount of balanced amount of vitamin A in your body, you will have clear glowing skin, you will have better immune system, and aaj ki date mein to immune system is the best thing and you require the most. So beta carotene gets into your body and converts into vitamin A. ab baat aati hai ki aap beta carotene kahan se le sakte hain, which all food sources have beta carotene. ab so beta carotene aapko sweet potato mein milta hai, aapko green chilies mein milta hai, ग्रीन पेपर में मिलता है, और आपको कैरेट्स में मिलता है। सो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना कि कैरेट्स खाओगे तो आपकी आंखें तेज हो जाएंगी, इसी वजह से, बिकॉज उसमें बीटा कैरोटीन होता है एंड दैट इज़ यूजफुल फॉर योर आईज, आई साइट। तो दिस वॉज द फर्स्ट विटामिन। सो सेकेंड थिंग इज कैल्शियम। आप लोग, हम सबको पता है कि कैल्शियम आपके दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है, गुड टीथ्स रिक्वायर कैल्शियम, आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम, गुड डेंसिटी, बोन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए आपको कैल्शियम की ज़रूरत है। और अगर आप इन अ सर्टन एज, आई वुड से 30-35 के बाद है, तो आपको कैल्शियम इंटेक ज़्यादा कर देना चाहिए, बिकॉज आपकी बोन्स जो हैं वो डिटेरॉइट होनी शुरू हो जाती हैं, उनकी क्वालिटी, बोन डेंसिटी जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। सो एक बैलेंस डाइट 30-35 के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज के जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट और पोल्यूशन वगैरह में हम जो जी रहे हैं, उसमें ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आने लग गई हैं। अब बात आती है कि कैल्शियम हम कहाँ से ले सकते हैं, व्हाट आर द फूड सोर्सेज विच कैन सप्लाई अस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम। बेस्ट सोर्सेज डेयरी प्रोडक्ट्स, सो दूध पीजिए, चीज़ खाइए, बटर खाइए, एंड नॉट दैट अमूल का येलो बटर, गो फॉर वाइट, जो घर में बना हुआ बटर होता है वो खाइए, घी खाइए, इन सब में आपको ढेर सारी अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिल जाता है। सो नेक्स्ट थिंग इज विटामिन डी। ऑल्दो दिस इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट, बट आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी जो बॉडी के अंदर लोगों की पाई जा रही है, दैट इज़ विटामिन डी। एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग अब जो है वो बाहर धूप में नहीं जाते हैं, हम धूप में जाके नहीं बैठते हैं, बच्चे धूप में आके नहीं खेलते हैं, तो इस वजह से बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी होनी शुरू हो गई है। आज की डेट में हम घर से काम कर रहे हैं, और अभी तो कोरोना वायरस के चक्कर में हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत ही कम जा रहा है। एंड विटामिन डी इज़ रियली रियली हेल्पफुल फॉर योर बोन फॉर्मेशन। विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन डेंसिटी, बोन हेल्थ, एंड इट इज़ रियली हेल्प टू सिंथेसाइज योर बॉडी। अब बात आती है कि आप विटामिन डी कहाँ से अचीव कर सकते हैं, व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। बेस्ट टू सोर्सेज ऑफ विटामिन डी आर फोर्टिफाइड मिल्क एंड फैटी फिश। सो अगर आप फिश नहीं खाते हैं तो गो फॉर द मिल्क, इफ़ यू कैन ईट फिश देन गो फॉर द फिश। सो ईदर वे यू कैन गो फॉर द विटामिन डी, एंड अपना टेस्ट कराइए विटामिन डी का, अगर आपको डिफिशियंसी है तो गो फॉर सम सप्लीमेंट एंड चेक विद योर डॉक्टर, उसको दिखाइए अपनी रिपोर्ट, एंड ही विल सजेस्ट कि आपको कितने टाइम के लिए विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन करना है, एंड बिकॉज वो आप रेगुलरली नहीं करना चाहिए।
आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आपको बताएगा एक महीने का कोर्स करना है, दो महीने का कोर्स करना है, उसको कीजिए और उसके बाद अपना ब्रेक लीजिए एंड सिक्स मंथली अपना एक चेक कराते रहिए ताकि उसकी डेफिशिएंसी ना हो, बिकॉज विटामिन डी इज रियली वन विटामिन व्हिच इज गेटिंग डेफिशिएंट इन मोस्ट ऑफ द इंडियन ह्यूमन बींग्स, बच्चे हों, बड़े हों एंड फीमेल्स, इन सबको आज की डेट में सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी जो है वो विटामिन डी की हो रही है। और सबसे बेस्ट है सोर्स तो धूप है, आप धूप में जाइए और धूप में घूमिए, थोड़ा सा धूप में बैठिए, थोड़ा सा आपकी रिक्वायरमेंट वैसे ही पूरी हो जाएगी। एंड इट डजंट रिक्वायर कि आप पूरा पूरा दिन धूप में बैठिए, आधा घंटा एक घंटा दिन में रोज़ बैठेंगे अगर तो भी आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। सो द नेक्स्ट आइटम इज फॉलिक एसिड। अगर आपके घर में कोई भी प्रेगनेंट हुआ है तो आपने इस फॉलिक एसिड के बारे में बहुत सुना होगा, बिकॉज दिस इज़ वन सप्लीमेंट विच इज़ गिवन टू ऑल द प्रेगनेंट लेडीज एंड दिस फॉलिक एसिड इज़ अ बी ग्रुप ऑफ विटामिंस, इट बिलोंग्स टू विटामिन बी ग्रुप, इट हेल्प प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन अ फेटस व्हेन अ लेडी इज प्रेगनेंट, तो उस बच्चे की जो न्यूरल जो ब्रेन की फॉर्मेशन है, जो ब्रेन का ग्रोथ है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉलिक एसिड। अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ रियली गुड फॉर, अगर कोई प्रेगनेंट नहीं है तो भी फॉलिक एसिड जो है इट सेव्स यू फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, इट सेव्स यू फ्रॉम हार्ट डिसीजेज, इट सेव्स यू फ्रॉम एनीमिया एंड इट इज़ रियली गुड फॉर योर ब्रेन एज यू एज। सो 30-35 के बाद इसकी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है एंड यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट फॉलिक एसिड एंड हैव अ बैलेंस्ड डाइट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉर एनी डेफिशिएंसी, फॉर एनी सोर्स ऑफ फूड, यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट इन योर होल द मील दैट यू टेक इन अ होल डे, इट शुड बी बैलेंस्ड एंड इट शुड हैव ऑल काइंड ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स। एसिड आपको कहाँ से मिलता है? डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, सिट्रस फूड से बहुत मिलता है। सो ऐड दीज थिंग्स इन योर डेली मील एंड यू वुड नॉट हैव द डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड एवर। सो नेक्स्ट आइटम इज आयरन। आयरन आपकी ब्लड सेल्स को फंक्शन करने में हेल्प करता है एंड इफ यू हैव डिफिशियंसी ऑफ आयरन, सो योर रेड ब्लड सेल्स विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड यू विल बी इन अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एनीमिक। सो आज की डेट में मैंने हर्ड आयरन की बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर डिफिशियंसी एंड सबसे ज़्यादा जो डिफिशियंसी पाई जाती है दैट इज़ इन फीमेल्स, उनको अनीमिया की आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। अब आयरन का सोर्स जो है वो सबसे बेहतरीन सोर्स जो है वो तो लीन मीट है, फॉर एग्जाम्पल चिकन ले लीजिए, फिश ले लीजिए, एनी ऑर्गन मीट ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल भेजा हो गया, लिवर हो गया, सो इफ़ यू आर हैविंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स, सो आपको एक गुड अमाउंट ऑफ आयरन आपको मिल जाएगा फ्रॉम द फूड सोर्स। इन वेजिटेरियन मील यू गेट फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स, इसके अंदर बहुत होता है। वेजिटेरियंस कैन गो फॉर द ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड खाइए, एडिंग लॉट ऑफ लीव्स, ग्रीन लीव्स, और उसमें आप नट्स डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, यू विल गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन फ्रॉम वन मील ऑफ सैलड। एंड जो नॉनवेज खाता है उसके लिए तो लीन मीट हो गया, सी फूड हो गया, प्रॉन्स में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है, सो यू कैन गो फॉर दैट। सो नेक्स्ट आइटम इज पोटेशियम। सो बेसिकली पोटेशियम का काम जो है वो आपकी इट लोअर्स योर हार्ट रिस्क, हार्ट डिसीजेस का रिस्क को डाउन करता है, आपको हार्ट अटैक से बचाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन को चेक में रखता है, आपकी आर्टरीज को ब्लॉक होने से बचाता है। पोटेशियम जो है वो सोडियम के साथ मिलके काम करता है और इनफ आपकी बॉडी के अंदर इनफ फ्लूइड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है एंड आपका जो खून का बहाव है उसको जो ब्लड फ्लो है उसको इट कीप्स इन अ चेक, तो यही काम है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जनरली लोग जो हैं अपनी बॉडी में अपने डेली डाइट के अंदर दे हैव लॉट ऑफ सोडियम बट दे डोंट हैव इनफ अमाउंट ऑफ पोटेशियम विच कैन वर्क विद सोडियम एंड कीप दिस बैलेंस रनिंग। नाउ आप पोटेशियम के लिए यू कैन हैव बनाना, यू कैन हैव ग्रीन लीव्स, किशमिश खाइए, सो ये सब चीज़ें आप खाइए ऑन अ डेली, ये सब चीज़ें ऐड करिए अपनी डाइट के अंदर ऑन अ डेली बेसिस, यू वुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम और डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, तो आपको वैसे भी नमक से यू आर टेकिंग इनफ अमाउंट ऑफ सोडियम, तो
you don't have any deficiency. You should not have any deficiency of sodium. So if you have balanced ratio of sodium and potassium, it will really do miracles for your body, and you would never fall into heart diseases or blood pressure diseases. So number 8 on my list is vitamin C. Most talked about vitamin. आज की डेट में अगर आप अखबार उठाते हैं, आप हर एक पेज के ऊपर आपको कम से कम एक आर्टिकल मिल जाएगा टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम ड्यू टू थैंक्स टू करोना वायरस एंड इम्यूनिटी और इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में इतना ज़्यादा इट्स बीन टॉक्ड अबाउट एंड उसके अंदर आप कभी भी पढ़ेंगे तो फर्स्ट आइटम ऑन विच टॉप्स द लिस्ट इज वाइटमिन सी. सो वाइटमिन सी का सबसे मेजर रोल जो है वो आपके इम्यूनिटी बूस्ट करने का है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का है. इट हेल्प्स यू फ्रॉम हार्ट डिसीजेस, इट हेल्प्स यू फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, आपको ब्लड प्रेशर कंडीशन से बचाता है, आपकी पेरेंटल इश्यूज कुछ इलनेस चली आ रही है तो उसको फाइट बैक करने के लिए हेल्प करता है. तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि लेमन जूस पीजिए, ऑरेंज जूस पीजिए, ऑरेंजेस खाइए, बिकॉज जितने भी सिट्रस फूड हैं आपको बॉम अमाउंट ऑफ विटामिन सी मिलेगा. तो नेक्स्ट आइटम इज विटामिन ई. बहुत ज़्यादा इसके बारे में भी बात नहीं की जाती है और इसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे मेजर रोल जो है वो आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं उसकी हेल्थ को पॉइंट रखने का है. सो ये आपके हेल्थ को, आपके सेल्स को अंदर से और बाहर से दोनों से ही, दोनों तरफ से बहुत हेल्दी रखता है. सो अगर आप देखेंगे कि जितने भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं या फेस वॉशेस आते हैं, उन सब के अंदर आज की डेट में विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई करके बेचा जाता है. इसीलिए बिकॉज विटामिन ई जो है उसका जो पहला काम है वो आपके सेल्स की हेल्थ को ठीक रखने का है. सेकेंड, इम्यूनिटी पे काम करता है, हार्ट डिसीजेस के लिए अच्छा है, जो विटामिन सी का काम है लगस, बट उसका प्राइमरी जॉब इज टू कीप योर सेल्स हेल्दी. सो आपके सेल्स हेल्दी होंगे तो आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, आपकी स्किन ग्रोइंग होगी तो आप सुंदर दिखेंगे, और उसके लिए विटामिन ई इज द बेस्ट सोर्स है. विटामिन ई आपको कहाँ से मिलेगा? विटामिन ई आपको मिलेगा पीनट्स में से, आपको मिलेगा एग्स में, फ्रूट्स में, आपको मिलेगा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर. सो आप देख रहे हैं ना पैटर्न, जिन चीज़ों से हम दूर भागते हैं हरी सब्जियों से, वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. और अगर बच्चे कोई देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ अपनी मम्मा को परेशान मत कीजिए फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स. बड़े होंगे ना तो यू विल मिस कि हमने बचपन में क्यों नहीं खाए. एंड विटामिन ई ऑल्सो हेल्प्स इन, अगर आपको आपकी मसल लॉस का इशू है, मतलब सपोज आप एक्सरसाइज करते हैं और आप मसल गेन कर लेते हैं बहुत जल्दी और जैसे ही छोड़ते हैं और मसल लूज हो जाती है, सो इन दैट केस ऑल्सो विटामिन ई प्लेज अ वेरी हैंडफुल रोल. उसमें आपको हेल्प करता है कि मसल लॉस जो होता है, डीजनरेशन ऑफ मसल्स है, उसको मेंटेन करता है. तो फॉर ऑल बॉडी बिल्डर्स विटामिन ई इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उनको इतनी प्रॉब्लम होगी भी नहीं बिकॉज हम बॉडी बिल्डर्स हैं जो एक्सरसाइज में हैं, वी गो फॉर पीनट्स अलॉट. पीनट बटर हो गया, रॉ पीनट्स हो गया. इधर मैं एक वीडियो डाल दूंगा जहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था पीनट्स के ऊपर, कि अगर आप घर से बाहर हैं, जॉब करते हैं, आपको फटाफट से कुछ डाइट लेनी है, आपको प्रोटीन लेना है, तो यू कैन गो फॉर पीनट्स. और उसको कैसे आप खा सकते हैं, और 22 रुपए में, मेरे ख्याल से 22 से 25 रुपए के अंदर आपको 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा. सो वो वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है. सो इन द एंड लास्ट पॉइंट है, अगर आप 30 की एज क्रॉस कर चुके हैं तो प्लीज़ ऐड मल्टी विटामिन्स इन योर डेली डाइट. सुबह में भी एक टैबलेट, सुबह एक टैबलेट, शाम को आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं, बट डू ऐड मल्टी विटामिन्स, बिकॉज आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो खाना है उसकी भी क्वालिटी उस लेवल पे नहीं रह गई है जहाँ पे आपको एक गुड अमाउंट ऑफ ऑल दीज विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाते हैं. हमारा बनाने का तरीका उस तरह का नहीं रह गया है जिसमें हमारे बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स बच जाते हैं खाने के अंदर, तो डेफिशिएंसीज होने के चांसेस हैं. आप रोज़ डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट नहीं करा सकते हैं. सो इट्स बेटर कि आप मल्टीविटामिन्स को एज अ सप्लीमेंट, रिवाइटल आता है, आई डोंट नो द नेम क्योंकि किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन आप
उन सब कोई भी मल्टीविटामिन उठा सकते हैं। इन मल्टीविटामिन्स का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता, बिकॉज जहाँ पे भी एक्सेसिव होती है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी जितना यूज़ कर सकती है उतना यूज़ करती है, एंड बाकी सारा यूरिनेशन के थ्रू आपका डिस्पोज ऑफ हो जाता है। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स आपकी बॉडी में चले गए हैं या आपने ज़्यादा ले लिया है तो आपको साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे उसके, ना ऐसा नहीं होता। जितना भी मल्टीविटामिन्स है बॉडी को जितनी की रिक्वायरमेंट है वो यूज़ करती है, और उसके बाद बाकी को आपका डिस्चार्ज कर देती है। सो हैविंग सेड दैट, ये तो हमारा आज का वीडियो था अबाउट विटामिन्स, व्हाट ऑल विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी, आप उनकी डेफिशिएंसी से कैसे बच सकते हैं, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप कैसे नॉर्मल नेचुरल फूड से इन सबको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर हफ्ते आपको एक नया वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे ब्लेस्ड।